एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमने एक आपको वीडियो, एक से दो वीडियो प्रोवाइड करा दी है। उनमें पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत के राज्य कितने हैं, दूसरी वीडियो में हमने आपको बताया था उनकी राजधानियां और उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तीसरी वीडियो में हमने आपको बताया था भारत के मुख्यमंत्री और राज्यपाल वर्तमान में कौन कौन से। दोस्तों, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, उन दोनों तीनों वीडियो को आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ाने वाले हैं कि भारत के जो राज्य हैं उनमें कितनी कितनी लोकसभा सीट हैं, कितनी राज्यसभा सीट है और कितनी विधानसभा सीट है। आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज की वीडियो से आपका एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मजबूत हो जाएगा दोस्तों, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप दोस्तों क्या करोगे, सबसे पहले अगर आपने राजधानी नहीं पढ़ी है तो आज मैं उनकी भी जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये चलेंगे कि ये दक्षिणतम पठारी क्षेत्र, ये सबसे पहले इनके जो जितनी भी लोकसभा सीट है उनको लेके चलेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम क्रम से बढ़ते हुए चलेंगे, सारी लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले ये आपका क्या है। आपको जैसे जानकारी अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में दीजिए। दोस्तों, ये है आपका केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसकी लोकसभा की सीटें 20 है, राज्यसभा की सीटें 9 हैं और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 14 हैं। इससे जस्ट ऊपर चलोगे दोस्तों आपको दिखाई देगा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु, इसकी लोकसभा की सीटें 28, राज्यसभा की सीटें 12 और विधानसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों, 224 है। इससे जस्ट ऊपर चलोगे दोस्तों तो आपको दिखाई देगा कि ये जो है आपका गोवा है, छोटा सा यहाँ पर, ये आप याद रखना, ये सबसे छोटा राज्य गोवा ही है। तो ये जो आपको दिखाई देगा दोस्तों, गोवा की राजधानी आपको बता दिया था मैंने, पणजी है। इसकी लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1 और विधानसभा की सीटें कितनी दोस्तों, 40। इससे जस्ट ऊपर चलोगे दोस्तों आपको दिखाई देगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी सबको पता है क्या है दोस्तों, तो महाराष्ट्र की राजधानी एक तो नागपुर है और एक और मैं आपको बता दूं मुंबई है। मुंबई पुरानी है, नागपुर क्या है सर्दियों के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि लोकसभा सीटें कितनी 28, राज्यसभा की सीटें 19 और विधानसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, 288। जस्ट इधर चलोगे इसके पश्चिमी क्षेत्र में, चलोगे महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में, तो आपको दिखाई देगा दोस्तों गुजरात। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, इसकी लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की सीटें 11 और विधानसभा की सीटें कितनी दोस्तों, 182। इसके जस्ट ऊपर चलोगे उत्तरी उत्तर की ओर तो आपको दिखाई देगा राजस्थान। राजस्थान की राजधानी दोस्तों आपको पता है क्या है, जयपुर। तो इसकी लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की सीटें 10 और विधानसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, 200 हैं। तो इसके जस्ट ऊपर चलोगे दोस्तों आपको दिखाई देगा पंजाब। तो पंजाब बिल्कुल इसकी सीमा से, राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है और पाकिस्तान की सीमा से भी, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमा से भी पंजाब और राजस्थान सभी लगे हुए। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो पंजाब है इसकी राजधानी आपको बताया था चंडीगढ़, और हरियाणा की भी राजधानी, ये हरियाणा, हरियाणा की राजधानी क्या है दोस्तों, चंडीगढ़। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, इसकी लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों 13, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों 117। ठीक है, इधर देखेंगे बीच में आपको दिखाई देगा हरियाणा। तो हरियाणा की राजधानी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चंडीगढ़ है, और लोकसभा की सीटें आपकी 10 है, राज्यसभा की सीटें कितनी है 5 और विधानसभा की सीटें दोस्तों कितनी है, 90। जस्ट ऊपर चलोगे दोस्तों ये आपको दिखाई देगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड और इनकी सीमा से लगा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में देख दोस्तों इसकी राजधानी आपको बताई थी शिमला, और लोकसभा की सीटें दोस्तों कितनी है 4, राज्यसभा की सीटें 3 और विधानसभा की सीटें कितनी है, 68। दोस्तों इधर चलोगे ये आपको दिखाई देगा, अभी यहाँ से आप देखोगे इसका जो अभी 2 केंद्र शासित बनाए गए, इधर वाला आपका लद्दाख का, ये क्षेत्र जो आपका जम्मू का है। तो दोस्तों जम्मू की अगर बात करें, वर्तमान में जो सीटें हैं लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटें। ठीक है, इधर देखोगे दोस्तों आपको ये दिखाई देगा, इसे लद्दाख कहते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे ये भी जम्मू भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र प्रशासन की लोकसभा सीटें 1 है, लद्दाख की राजधानी मैंने आपको बताया था ले, और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर, और श्रीनगर के अलावा एक जम्मू भी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखोगे इसकी लोकसभा सीटें, जब लद्दाख की लोकसभा सीटें 1 है और राज्यसभा की सीटें 0 और विधानसभा की सीटें भी क्या है, 0। आगे होंगी तो आपको जरूर अवगत कराएंगे। ठीक है, इधर देखेंगे दोस्तों ये क्या है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी आपको बताया था क्या है, देहरादून। ठीक है, इसकी लोकसभा की सीटें 5, राज्यसभा की सीटें 3, विधानसभा की सीटें कितनी दोस्तों, 70। यहाँ पर दोस्तों इधर आओगे, इसके जस्ट नीचे नीचे चलोगे पूर्वी क्षेत्र में, और थोड़ा सा जस्ट पूर्वी दक्षिण क्षेत्र में, तो आपको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या है, लखनऊ। इसकी लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31 और विधानसभा की सीटें 400-300। भारत में सबसे राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें किसकी हैं, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखना। इधर देखोगे इसके पूर्वी क्षेत्र में देखोगे तो आपको बिहार नजर आएगा। ठीक है, बिहार की जो राजधानी आपको पता है दोस्तों, पटना। इसकी लोकसभा की सीटें 40, राज्यसभा की सीटें 16, विधानसभा की सीटें कितनी है 243। इधर देखोगे दोस्तों आपको सिक्किम दिखाई देगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। इसकी लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की सीटें 1, विधानसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, 32। इधर देखोगे दोस्तों ये आपको दिखाई देगा मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग।
और इसकी लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1, विधानसभा की सीटें 40, ठीक है, समझ आया। इसके ऊपर जस्ट इधर देखोगे तो आपको यह दिखाई देगा असम, असम की राजधानी दोस्तों बताई थी दिसपुर, इसकी लोकसभा की सीटें 14, राज्यसभा की सीटें 7, विधानसभा की सीटें 126 है। जस्ट इधर बिल्कुल सबसे पूर्वी क्षेत्र में जहां सबसे पहले सूर्य का प्रकाश पहुंचता है भारत में, तो यहां पर देखेंगे इस ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा की सीटें कितनी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों ईटानगर, इसकी लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1 और विधानसभा की सीटें कितनी दोस्तों 60 है, ठीक है। इधर देखोगे आपको दिखाई दे रहा है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों कोहिमा, ठीक है, इसकी लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की सीटें 1, विधानसभा की सीटें 1 है। इधर दिखाई देगा आपको ये दिखाई देगा मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। इधर देखेंगे मिजोरम, तो इसकी लोकसभा की सीटें 2 है, राज्यसभा की सीटें 1 और विधानसभा की सीटें 7 है। मिजोरम की राजधानी आइजोल, यहाँ पर देखोगे इसकी लोकसभा की सीटें 1 है, मिजोरम की राज्यसभा की सीटें 1 है, विधानसभा की सीट कितनी है दोस्तों 40, ये आपको दोस्तों दिखाई देगा। देखिए वैसे मैंने अभी आपको ये बता दिया, ये आपको जो सीटें जो बता रहा हूँ ये त्रिपुरा की, ठीक है, त्रिपुरा की सीट है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है अगरतला, इसकी लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 है, ठीक है दोस्तों। इधर चलेंगे ये आपको दिखाई देगा यहाँ से आते कितना हिस्सा पश्चिम बंगाल का है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है कोलकाता, इसकी लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, लोकसभा की सीटें आपकी 42, राज्यसभा की सीटें 16 और विधानसभा की सीटें कितनी है 294। दोस्तों आपको ऐसा तो नहीं लगा कहीं कि मेरी स्पीड ज़्यादा है, अगर स्पीड ज़्यादा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूंगा। ये दिखाई देगा दोस्तों झारखंड, तो झारखंड की राजधानी क्या है रांची, इसकी लोकसभा की सीटें दोस्तों 14, राज्यसभा की सीटें 6 और विधानसभा की सीटें कितनी 81। झारखंड के नीचे आपको दिखाई देगा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, यहाँ पर देखेंगे लोकसभा की सीटें 11, राज्यसभा की सीटें 5 और विधानसभा की सीटें कितनी दोस्तों 90। यह है दोस्तों ओडिशा, ओडिशा की राजधानी क्या है बताइए, याद कर लो यार ओडिशा की राजधानी बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखना। लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की सीटें 10 और विधानसभा की सीटें 147। इधर देखेंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी बताओ यार, पता है अमरावती है, आंध्र प्रदेश की राजधानी लोकसभा, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा की सीटें 11 और विधानसभा की सीटें 175, ठीक है। ये देखोगे आपको दिखाई देगा जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, इसकी लोकसभा की सीटें 39, राज्यसभा की सीटें 18, विधानसभा की सीटें कितनी 234 और ये केरल मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों यहाँ से अब बीच में दो रह गए हैं राज्य, ये है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की सीटें 11, विधानसभा की सीट 243 है और इधर आपका जो बचा हुआ है आंध्र प्रदेश का ही भाग है तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद, लोकसभा की सीटें 17, राज्यसभा की सीटें 7 और विधानसभा की सीटें दोस्तों 119। तो दोस्तों ये जो आपकी सीट है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, इनको आप लिख करके दोस्तों आसानी से याद कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है सर आपने सारी चीज़ें एक साथ क्यों नहीं बताई, राजधानियाँ इनके राज्य मुख्यमंत्री राज्यपाल, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि बोर्ड पे इतनी सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं और एक साथ हम सारी चीज़ों को याद भी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको अलग अलग पार्टों में बांट कर पढ़ा रहा हूँ जिससे आप आसानी से इंटरेस्ट की तरह इंटरेस्ट लेकर के उसको पढ़ सकें और याद कर सकें। तो दोस्तों आप आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए, मैं आपको हर टॉपिक इंडिया से लेकर के वर्ल्ड तक सारे टॉपिक कवर कराऊंगा जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जरूर बताइए दोस्तों और लाइक कर लीजिए और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। तो आज हम इतना ही टॉपिक, हमारा जो छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा तो आपको भी थोड़ा आलस महसूस होगा, तो दोस्तों आज हमें दे दीजिए इजाज़त।